थोड़ा क्लियर करने का था तो जरूरी है सबूत के साथ क्लियर करना ना, क्योंकि कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है, और हजम नहीं होती है तो फिर समझाना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं वो एक वीडियो बनाया था कि वो उर्फी जावेद के लिए, कि एक भाई के नाते तुझे तुझे बता रहा हूं कि जो तू कपड़े पहनती है, जिसके तेरे फॉलोअर है, जैसे हमारी बहन बेटियां है, उसमें असर गलत मैसेज जाता है। आज के यूथ वही करते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो एक भाई के नाते मैं समझा रहा हूं कि बेटा ये मत कर करके। तो ये होने के बाद उसने कुछ स्टोरी भी नहीं कुछ डाली, अभी मेरे को भेजा बहुत लोगों ने कि भाऊ मेरे को मिलना चाहता था कुछ प्रमोशन के लिए, भाऊ क्या फेम के लिए ये सब कर रहा है, भाऊ जेल में जाता है ये यूथ को ये कर रहा है करके, जेल अच्छा होता है करके। कभी जेल गया रे मैं, कभी जेल गया मैं, गया जेल ना ये बच्चों के हक के लिए आवाज उठाया था, समझा, मेरा स्वार्थ के लिए नहीं गया, समझा, ये बच्चों के हक के लिए मैं जेल गया, लोगों की आवाज उठाया तब जेल गया मैं। तो वहां जाके मेरे को मेडल नहीं मिला, मेडल नहीं मिला था, मुझे मेरे फैमिली को तकलीफ हुआ, किसके लिए, ये बच्चों का आवाज उठाया इसके लिए। मगर मैंने बोला मेरे को तकलीफ हुआ क्योंकि मैं लोगों का आवाज उठाता था, उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, समझा। और दूसरी बात ये बोलती है कि भाऊ ने इसको गणपति में बुलाया, तब भाऊ को पता नहीं चला क्या कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूं, मैंने कभी बुलाया नहीं। फिर बोलती है कि मेरा कुछ मैटर हो गया था तो भाऊ बीच में पड़ के फेम खाना चाहता था। सबूत 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 जरूरी होता है सबूत। उसका फोटोग्राफर, पर्सनल फोटोग्राफर मेरे पास शूटिंग के लिए आया था, मेरे पास शूटिंग के लिए आया था, तो मेरे को बोला था कि मैं पर्सनल उसका उर्फी जावेद का मैं पर्सनल फोटोग्राफर है करके। मुझे बोला कि भाऊ वो आजकल बहुत डिप्रेशन में, बहुत टेंशन में है। ये बोला क्या हो गया, बोलता है उसको कोई तकलीफ दे रहा है तो वो पुलिस स्टेशन जा रही है, मगर पुलिस वाले उसका कंप्लेंट नहीं ले रहे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि एक लड़की पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस वाला उसका कंप्लेंट नहीं लेगा, आज तक मैं सुना नहीं, आज तक ऐसा सुना नहीं। तो मैं एक भाई के नाते, जबकि मैं जानता भी नहीं उसको, कभी मिला भी नहीं, एक भाई के नाते जिसको मैं जानता भी नहीं, उनके भी फोन आते, उनको मदद करता हूं मैं, तो मैं मदद करना चाहता था कि वो डिप्रेशन में है करके बोला मेरे को। अभी सुनना, जय हिंद, जय हिंद बेटा। बेटा कुछ महीनों पहला तू इधर मेरे इधर शूटिंग के लिए आया था, बराबर है, तो फोटोग्राफर ने मेरे को क्या बोला उर्फी जावेद के बारे में? भाऊ एक्चुअली फोटोग्राफर थोड़ा लेट आया था उधर शूटिंग करने, तो हमने आपने मैंने उसको पूछा कि भाई तू क्यों लेट आया, तो उसने ऐसा बोला कि कुछ उर्फी का शूट था लेकिन कैंसिल हो गया, उर्फी कुछ टेंशन में है, कुछ उसका मैटर हुआ है तो पुलिस वाले उसकी कोई कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, तो वो बता रहा था कि ऐसा सा मैटर हुआ है। तो मैंने क्या बोला, तो आपने तभी हमको, मेरे को और उसको ऐसा बोला लगा उसको फोन, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ, देखता हूँ मैं कौन उसकी कंप्लेन नहीं ले रहा है, क्योंकि तभी वो कुछ वो
कोई आफरीदी ओफेद आफरीदी का कोई मैटर चल रहा था उसका। नहीं वो तो मेरे को बताया नहीं उसने, वो तो ये बोला कि वो डिप्रेशन में टेंशन में। उसने बोला था ओके नहीं है, ठीक नहीं है, वो बहुत डिप्रेशन में है, वो कुछ उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो बहुत टेंशन में उसने शूट कैंसिल कर दिया है। हाँ। तो फिर आपने बोला था कि हाँ बताओ क्या, लगाओ फोन मैं देखता हूँ क्या है, कुछ टेंशन है तो मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बराबर है। अच्छा गणपति में उसको मैंने बुलाया था क्या? गणपति में तो आपने नहीं बुलाया था, लेकिन हम जो जैसे कि आपने मुझे लिस्ट दी थी ना, जो अपन पीआर का सब सेट कर रहे थे, तभी हमने उसका नाम लिखा था गेस्ट लिस्ट में, तो मैंने उसको बोला था कि आप इनवाइटेड हो आप आओ। नहीं मैंने बुलाया था क्या उसको? नहीं नहीं आपको आपको तो पता भी नहीं था क्योंकि वो आई नहीं, तो फिर हमने आपको बोला ही नहीं कि वो आने वाली है क्या। बराबर, क्योंकि उसने मना कर दिया था, वो शायद थी नहीं और बोला गणपति में नहीं आऊंगी मैं, फिर कभी आऊंगी। नहीं वो अभी ये बता रही है सोशल मीडिया पे कि भाऊ ने मेरे को बुलाया था। नहीं 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 एग्जैक्टली, तब भाऊ को समझ में नहीं आया क्या कि मैं तब भी वैसे ही कपड़े पहनती थी, तो मैंने उसको बुलाया था क्या? नहीं आपने नहीं बुलाया था। बराबर, आपका पीआर हम लोग देख रहे थे, तो हमने उसका लिस्ट में नाम लिखा था, लेकिन उसने आने से मना किया कि मैं गणपति में नहीं आऊंगी। और आप लोगों ने उसका नाम लिखा था ये मेरे को बताया था आप लोगों ने? नहीं 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 आपके आपके पास तो सिर्फ जो आए थे उन्हीं गेस्ट का नाम था ना, बराबर जानते ही नहीं थे। बराबर, आज एक्चुअली भाई उसकी स्टोरी मैंने भी देखी, उसने जो चैट डाला था, तो मैंने भी उसको यही बोला कि वो तो पीआर देख रही थी, वो हम संभाल रहे थे, भाई डजंट नो एनीथिंग फॉर दादा। मैंने आज तक कभी ये बोला मैं उसके मिलना चाहता है? नो 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 नो, ठीक है ओके, नो नेवर, ओके ओके चलो ओके भाई, कुछ भी हो तो बताओ मुझे कॉल करो। ओके, सबूत, ये सबूत है समझा, और तू ही नहीं, ऐसी मेरी बहुत ऐसी बहन बेटी है जो इंडिया में से ना मेरे को मैसेज करती है कि भाऊ हमको ये तकलीफ है वो तकलीफ है, मैं हर किसी की मदद नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो जितना हो सकता है ना मैं मेरे बहन बेटियों की मदद करता हूं समझा। और दूसरी बात वो बोलती है कि भाऊ गाली देता है, भारत का रिवाज है क्या? भाऊ जो गाली देता था वो पाकिस्तान के यूट्यूबर को गाली देता था, तो भाऊ को पहली बात तो फेम की जरूरत नहीं, और तेरे जैसे का फेम भाऊ ले, इतना तो मैं इतना भी छोटा नहीं हूं मैं समझा, इतना भी छोटा नहीं हूं मैं। बस मेरे को बहुत सारे मैसेज आए थे उसमें, उसके वजह से मेरे को बोलना पड़ता है एक भाई के नाते। हाँ अभी मैं दूसरा बताता हूं तुम्हारे को, एक जगह पे प्रमोशन के लिए गया था, तब मेरे को खुद मीडिया वालों ने बोला था, मीडिया वालों ने बोला था खुद कि भाऊ ये उर्फी जावेद के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? पहनते थे ना वो चीज दिखाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। फैशन के माध्यम से एक बड़ा नाम किया है, जैसे उर्फी जावेद का नाम ले लें तो उर्फी ने काफी फैशनेबल कपड़े पहने और एक बड़ा ब्रांड बन गया के बारे में। अरे कैसा है मालूम है, हर किसी का अपना एक ये, तो वो उनके तरीके से उनको जो अच्छा लगता है वो पहनेंगे। मेरा ये बोलना है कि ये यूथ को ये भी बताओ, जो हमारे महाराणा प्रताप से लेके शिव छत्रपति महाराज है, जितने पेशवा होके गए जो जो लिबास पहनते थे, उनको भी बताओ कि ये भी पहना जाता है, सिर्फ वो पैंट मत पहनो कि नीचे उतरता है वाला, ये भी पहन के देखो, ये भी जबरदस्त होता है। समझा? तो ये आज का नहीं है वीडियो, मुझे कम से कम 7-8 महीने पहला खुद मीडिया वालों ने पूछा था कि भाऊ ये उर्फी जावेद जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में क्या है, तो मैंने क्या बोला था, वो उसका लुकआउट अपने को क्या करने का है। जब मुझे लोग बोलते हैं मैसेज करते हैं, मेरे बहन बेटियां मां सब बोलती है कि भाऊ ये देखो ये कुछ ज्यादा गंदा कर रहे, और अभी तूने बहुत ज्यादा ही गंदा किया,
जिसके वजह से ये बोलना पड़ा। और ना रही बात सुन मेरी बात, धमकी की, जो तू धमकी दिया ना, पुलिस केस करेगा, अंदर डालेगा, जेल में डालेगा। हाँ, तो तेरे को जो करना है वो कर ले। हाँ, जो करना है वो कर ले, क्योंकि भाऊ भी मामूली आदमी नहीं है, समझा क्या? जो करना है वो कर ले, तेरे को भी प्यार से बोलता है तो प्यार से बोलता हो। अगर तेरे को दादागिरी करना है, धमकियां देना है ना ये सोशल मीडिया पे, तो बेटा तू कर ले, ये तेरा भाई बोल रहे, तेरे को जो करना है वो कर ले, जहां तक तेरे को जाना है जा, समझा? जहां तक भी जाना है जा, हाँ जा बिंदास। हाँ यार, वो उसको क्या बोलती है कि भाऊ ने मेरे को फोन करके बोलना चाहिए था कि ये सब मत कर, तेरा नंबर विंबर कौन रखता है रे, इतना मेरा टाइम खराब है क्या कि मैं नंबर में फोन करके बोलूं ये ऐसा मत पहन वैसा पहन, तेरे से मेरा रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है तेरे से मेरा रिश्ता, कभी मिला नहीं तेरे को, कभी तेरे पे फोन पे बात नहीं किया, कुछ नहीं। वो तो बीच में वो मेरा शूट टालू था तो तेरा वो फोटोग्राफर आया, उसने मेरे को बोला कि मैडम डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, उसका पुलिस वाले लोग ना कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने बोला अगर कुछ तकलीफ है तो बोल, बहन है अपनी, कुछ तकलीफ है तो बोल, मैं बात करता हूं, ये बोला मैंने, समझा? मदद के लिए फोन करने के लिए बोला था। तेरा से क्या लेगा रे मैं फेम? हाँ, शायद तो अभी तक मेरे को जानती नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं फेम की। वे कहावत है ना, मत पूछ मेरे नाम की पहचान कहां तक है, देख जहां तक तेरी नजर जाती है, और तू कर ले बदनाम जहां तक तेरी औकात है, समझा? घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाऊ को, क्योंकि भाऊ इधर से बात करता है, दिल से, दिमाग से बात नहीं करता है। साला किसी को अच्छा समझाने जाओ तो बोलता है फेम के लिए मांगता है। क्या फेम के लिए रे, क्या तेरे से फेम मिलेगा मेरे को? हाँ, क्या फेम मिलेगा? चलो भाई लोग, थैंक यू। बस ये क्लियर करने का था मेरे को कि भाऊ किसी से मिलना नहीं चाहता है, और भाऊ को ऐसे लोगों का फेम भी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं।